नमस्कार, कैसी हैं सभी लोग? आप लोग सोच रहे हो यार सिस्टर इतना हैप्पी क्यों है, क्यों ना हैप्पी रहूँ, छोटी सी जिंदगी उसमें भी हैप्पी ना रहा जाए तो कैसा लगेगा। सभी लोग बोलते हैं सिस्टर लाइफ ज़्यादा किया करो, ब्लॉग बनाया करो, शॉर्ट अपलोड किया करो। तो मैं यूट्यूब पर कैसे आई और मेरा चैनल क्यों नहीं आगे चल रहा है? मेरा चैनल इसलिए नहीं आगे चल रहा क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर तो आ चुके थे बट हमें इसके सेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और इसके लिए ये भी नहीं पता था कि तुरंत न्यू ईमेल आईडी बनाकर फिर इसमें तुरंत चैनल बनाने के बाद 24 घंटे के बाद वीडियो अपलोड करना होता, कुछ भी नहीं पता। हमारे एक सर थे कंप्यूटर जो वहाँ पर हम सीखते थे, वही बताएं कि बेटा आप लोग यूट्यूब पर काम करो, नौकरी का कोई भरोसा नहीं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग अभी तक कोई भी नहीं मतलब सक्सेस हुआ है, और यूट्यूब पर मुझे पूरा विश्वास है बच्चों आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर साल भर में ना तो दो साल में ज़रूर। तो उन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग करना पड़ता है, और हम लोग उल्लू ऐसे ही हम लोगों की ईमेल आईडी जो पुरानी थी उसी पर वीडियो अपलोड करने लगे, कहीं सुमित का, कहीं खेत का, कहीं पशुओं का, ऐसे वीडियो अपलोड करने लगे। पता ही नहीं था हमें, फिर बाद में पता चला कि व्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, तो बाद में पता चला कि इसमें सेटिंग करना पड़ता है। बाद में सेटिंग करने के बाद पता चला कि यहाँ से नई वीडियो अपलोड करते समय सेटिंग करने की वजह वाइटिंग स्टूडियो में भी सेटिंग करना पड़ता है। बाद में सब पता चला वो भी कैसा टाइप कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ये भी नहीं पता था। ऐसे करते 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 किसी प्रकार मेरा 1000 सब्सक्राइबर हुआ है, बट ना व्यूज जाते हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और सभी लोग सोचते हैं सिस्टर वीडियो तो आपकी मतलब थोड़ा बहुत अच्छी, बट सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़े? बस यही रीज़न है मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़े। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी लोग मुझे इतना कमेंट कीजिए, मतलब ऐसा मतलब कमेंट कीजिए ताकि मैं अपना योगदान दे सकूँ। मेरी सिस्टर के चैनल का नाम है नेहा चौहान, ऑफिशियल जिसका भी 11,500 सब्सक्राइबर है, लेकिन उसका चैनल मोनेटाइज हो गया, वो लगातार उस पर लगी रही और अपना 100% उस पर देती थी, लेकिन मैं घर में बड़ी होने के नाते मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। हम 5 बहने और मेरा 1 साल का भाई है, मेरे पापा राजमिस्त्री हैं जो मुंबई गए हैं 2-4 महीने से, क्योंकि गाँव में काम नहीं चल रहा था, जो नहीं हम लोगों का मतलब बहुत दिक्कत होती थी खाने पीने के रास्ते, खरीदना, खेत का काम देना, हमारा खुद का भी खेत में हम लोग दूसरों का खेत देते थे, तो पापा चले गए घर का सारा काम मम्मी को और मम्मी के साथ, तो इसलिए मैं चैनल का ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। और अब हम मुझे न्यू फ़ोन लेना है, मेरा फ़ोन जो है मैं BA फाइनल की थी उस समय मुझे मिला था, इस फ़ोन को लगभग 1.5 साल हो चुके हैं जो अब सही से वर्क भी नहीं करता। ये लावा जो 3 है इसकी प्राइस 7,000 के राउंड में है। मेरी सिस्टर का भी फोन खराब है जिसकी वजह से हम लोगों का कुछ भी नहीं हो पा रहा। हम लोग पहले सोचते थे कि फेक वीडियो बनाने से रुक जाएगा और बनाने का मकसद यही था कि मेरा चैनल तो डेड हो चुका है, लेकिन मेरे चैनल मेरे सिस्टर के चैनल पर मैं यहाँ जाना ऑफिशियल आप लोगों से ज़्यादा ज़्यादा